WHO WDOMS में आप कैसे देख सकते हो, वो भी आपको एक बता दूं। खास करके जो लोग यूक्रेन में जा रहे हैं वो लोग तो खास देखे, यूक्रेन की बहुत सारी मेडिकल कॉलेजेस है जो यहाँ पर अप्रूव नहीं है, तो यहाँ पर आपको WDOMS सर्च करके WDOMS.org वेबसाइट पे जाना है, सर्च द वर्ल्ड डायरेक्टरी पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप कंट्री सर्च करिए, इसमें आप सबसे पहले हम स्पार्टन का देख लेते हैं, तो आप सेंट लुशिया में जाइए, सेंट लुशिया और सर्च कीजिए, ये सर्च करने के बाद स्पार्टन हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटी पे क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 1980 से ये कॉलेज है और अभी तक चली रहा है। अब स्पॉन्सर नोट, खास ध्यान रखिए ये स्पॉन्सर नोट, ये आपको देखना है कि ये स्पॉन्सर नोट पे लिखा हुआ होना चाहिए कि स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स ऑफ दिस मेडिकल स्कूल आर एलिजिबल टू अप्लाई टू ECFMG एंड ECFMG सर्टिफिकेशन। अगर ये नहीं लिखा हुआ होगा किसी भी कॉलेज में, ये स्पॉन्सर नोट नहीं हुआ, भले लिस्टेड है लेकिन अगर ये स्पॉन्सर नोट नहीं हुआ तो आप ECFMG में रजिस्टर नहीं कर पाओगे, यानी आप USMLE की एग्जाम नहीं दे पाओगे, US में ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अब यूक्रेन का देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं यूक्रेन का, यूक्रेन से फंस के, यूक्रेन का सर्च करके मैं आपको बताता हूँ मुझे। चलिए इस कॉलेज का देखते हैं इसके पास है कि नहीं है, जाके स्पॉन्सर नोट में जाए। हाँ जी, ये कॉलेज तो अप्रूव है, फिर से हमें सर्च करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊँ एक ऐसी कॉलेज जो अप्रूव ना हो। मैं अभी भूल गया हूँ कौन सी, हाँ देखिए ये कॉलेज रही, ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इकोलॉजी एंड मेडिसिन, ये यूक्रेन का कॉलेज है, ये WDOMS में लिस्टेड है, 2012 से चल रहा है, प्राइवेट है, इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन यह स्पॉन्सर नोट में ECFMG का अप्रूवल नहीं है। इसका मतलब अगर आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो आप US में आपकी डिग्री वैलिड नहीं है, तो कोई भी कॉलेज से पहले ये भी देखें। तो ये आपको मैंने बताया कि WDOMS यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल जो WHO के अंतर्गत है, उसका आप कैसे जांच कर